which is बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन in 2023? Best health बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आप ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान यूट्यूब पर सुन चुके हैं लेकिन एक्चुअल में बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है मेरी नज़र में वो पॉलिसी बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो हॉस्पिटल जाने पर आपका क्लेम सेटल कर दे और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हैसल फ्री क्लेम सेटल कर दे और आपकी नीड्स को फुलफिल करती हो आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के चार मोस्ट पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के सीक्रेट्स को ओपन करने जा रहा हूं इन चारों ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको इंश्योरेंस कंपनियां भी नहीं बताती तो मेरे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा हो सकता है कि वो कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का प्लान कर रहे हैं और साथ ही एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए जानते हैं इंडिया की चार बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या क्या एडवांटेजेस हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो चार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं नंबर वन एच डी एफ सी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर नंबर टू नीवा बूपा फॉर्मरली नोन एज मैक्स बूपा री 2.0) नंबर तीन स्टार हेल्थ स्टार एश्योर प्लान और नंबर चार केयर हेल्थ का केयर सुप्रीम प्लान सबसे पहले हम इन चारों ही प्लान्स के क्लेम सेटलमेंट रेशो को देखते हैं तो एच डी अर्गो का क्लेम सेटलमेंट रेशो है 99.6 परसेंट दिस इज आउट स्टैंडिंग नंबर आएगा नीवा बूपा नाइन्टी दिस इज अप टू द मार्क थर्ड नंबर आएगा स्टार हेल्थ स्टार एश्योर 87 परसेंट और फिर केयर सुप्रीम 85 परसेंट दिस इज नॉट अप टू द मार्क उसके बाद हम बात करेंगे इन चारों ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस की फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रियम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस बताऊंगा क्योंकि कैशलेस क्लेम प्रोसेस सभी कंपनीज का ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन रियम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का तो सबसे पहले बात करेंगे हम एच डी एफ सी आर को के तो इसमें जो क्लेम प्रोसेस होगा आपका रीएमबर्समेंट क्लेम प्रोसेस फुल्ली ऑनलाइन होगा आपने एक बार इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद उसके बाद सारे पेपर्स सा आपने ऑनलाइन सबमिट करें करने हैं यानी कि स्कैन करके केयर एट द रेट एच डी एफ सी आर को डॉट कॉम को भेजने हैं उसके बाद आपका क्लेम सेटल हो जाने वाला है दूसरी बात आती है नीवा बूपा की तो नीवा बूपा का भी क्लेम प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है वहाँ पर आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट भी नहीं करना है सारे डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी के लिंक पर जाकर आपको अपलोड करने हैं वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसके बाद आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा तीसरा नंबर आता है स्टार हेल्थ के स्टार एश्योर का जो कि थोड़ा सा टिपिकल होगा इसका क्लेम प्रोसेस सबसे पहले आपने इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है इंटीमेट करने के बाद आपने सारी हार्ड कॉपीज़ इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करनी है उनके हेड ऑफिस भेजनी भेजनी है जो कि स्टार हेल्थ का हेड ऑफिस है चेन्नई में और उसके बाद आपका क्लेम प्रोसेस किया जाएगा जो कि कंपेटिवली टफ होगा विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना होगा और उसके बाद डिस्चार्ज के विद इन फिफ्टीन डेज़ आपको सारी हार्ड कॉपीज़ इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करनी होगी चौथा नंबर आता है केयर हेल्थ के केयर सुप्रीम का तो केयर सुप्रीम में भी सबसे पहले आपने इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है इंटीमेट करने के बाद इसमें आपको ऑनलाइन भी प्रोसेस करना है यानी कि सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन सबमिट करनी होंगे और उसके बाद उनकी सारी हार्ड कॉपीज़ आपको इंश्योरेंस कंपनी के हेड ऑफिस यानी कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस के हेड ऑफिस गुड़गांव को भेजनी होंगी इज़ द क्लेम प्रोसेस तो इन चारों ही कंपनियों में सबसे ईजी क्लेम प्रोसेस है एच डी एफ सी अर्गो का और सेकेंड नंबर नीवाबूबा का अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नेटवर्क हॉस्पिटल यानी कि कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल इन चारों ही इंश्योरेंस कंपनीज के सबसे पहले एच डी एफ सी अर्गो इनके पास तेरह हजार प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं जहां आप कैशलेस फैसिलिटी ले सकते हैं नंबर दो नीवा जिनके पास नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं और नंबर तीन स्टार हेल्थ जिनके पास दस हज़ार प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल है और नंबर चार केयर सुप्रीम का केयर सुप्रीम यानी कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस जिनके पास आठ हज़ार प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं तो यहाँ पर भी एच डी एफ सी अर्गो नंबर वन है जिनके पास सबसे ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल हैं और दूसरा नंबर दिया जाएगा नीवा बूपा को अब बात करेंगे हम इन चारों ही प्लान के बेसिक फीचर्स की तो एच डी एफ सी अर्गो का जो ऑप्टीमा सिक्योर है उसमें आपके समय छोड़ ऑप्शन मिलेंगे पाँच लाख से लेकर दो करोड़ तक के नीवा बुपा में लाख से लेके एक करोड़ तक स्टार एश्योर पांच लाख से लेके दो करोड़ तक और अब हम बात करेंगे केयर तो के 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 एंट्री एज नीवा बुपा अठारह से पैंसठ स्टार हेल्थ अठारह से लेके पचहत्तर साल तक लेकिन आपको पैंसठ साल के बाद पचहत्तर लाख एक करोड़ दो करोड़ के ऑप्शन नहीं मिलेंगे एच डी में एंट्री एज होगी अठारह साल से लेके पैंसठ साल तक वहीं केयर सुप्रीम में एंट्री एज होगी 18 साल एंड अबव यानी कि मैक्सिमम एंट्री एज की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है डिपेंडेंट चाइल्ड एंट्री एज एच डी एफ सी अर्गो में होगी 91 डेज से लेकर 25 फाइव ईयर्स तक वहीं नीवाबूबा में यही लिमिट हो जाएगी 91 डेज से लेकर 30 ईयर्स तक स्टार एश्योर की बात करते हैं तो वहाँ पर 16 डेज से लेकर ईयर्स तक ही रखा गया है डिपेंडेंट चाइल्ड 18 साल का होते ही उसको पॉलिसी से स्प्लिट कर दिया जाएगा केयर सुप्रीम में 90 डेज से लेकर 24 फोर ईयर्स तक होगी 25 के बाद उसको पॉलिसी से स्प्लिट किया जाएगा स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं तो नीवा बोपा के पास है लॉक द क्लॉक यानी कि एंट्री के साथ आपकी इसको लॉक किया जाएगा और जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा आपका प्रीमियम ना तो एज के हिसाब से इंक्रीज होगा और ना ही इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीज होने वाला है तो ये जो आपका फीचर है लोग दख लोग यूनिक फीचर है जो किसी के पास नहीं है वहीं पर एच डी एफ सी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर के पास है बाय वन गेट वन फ्री इसको बोलते हैं सिक्योर बेनिफिट यानी पहला ही क्लेम आपका डबल मिलेगा आप दस लाख रुपये की अगर आप पॉलिसी ऑप्ट कर रहे हैं तो आपका पहला ही क्लेम बीस लाख रुपये का आपको दे दिया जाएगा स्टार एश्योर के पास भी कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं जैसे कि असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट दो साल के बाद दिया जाएगा सब लिमिट के साथ दिया जाएगा यानी कि आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड ट्रीटमेंट दो साल के बाद सब लिमिट के साथ कवर कर दिए जाएंगे उसके अलावा कंपल्शनट ट्रेवल और रिपाट्रिएशन ऑफ मोटल रिमेन्स को एज ए एज ए यूनिक बेनिफिट स्टार एश्योर ने ऐड किया है केयर सुप्रीम में कोई भी किसी तरह का स्पेशल बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है अब बात करेंगे हम क्यूमुलेटिव बोनस की जिसको हम एन भी बोलते हैं नोक्लेम बोनस भी बोलते हैं तो नीवा नीवाबूपा रिएश्योर कहती है बूस्टर प्लस यानी कि जितना भी साल के अंत में आपका समय छोड़ बचेगा उसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तीन ऑप्शन है ब्रॉन्ज प्लेटिनम टाइटेनियम ब्रॉन्ज में जो आपका समय छोड़ होगा वो तीन गुना हो जाएगा प्लेटिनम में पाँच गुना हो जाएगा और टाइटेनियम में दस गुना हो जाएगा यानी कि टाइटेनियम की अगर बात करूँ दस लाख की पॉलिसी है तो दस सालों में नहीं क्लेम लेने पर एक करोड़ दस लाख की हो जाने वाली है वहीं पर एच डी एफ सी अर्गो में है प्लस बेनिफिट यानी कि आपका जो समयशोड़ होगा वो फिफ्टी परसेंट एवरी ईयर इंक्रीज होगा क्लेम होने पर भी होगा और क्लेम नहीं होने पर भी होगा यानी कि एच डी एफ सी अर्गो कहती है कि आपको क्लेम लेने पर हम पेनालाइज नहीं करेंगे आपका जो कम्युनिटी बोनस है जो भी आपका लॉयल्टी बोनस है वो हर साल दिया जाएगा दो बार दिया जाएगा यानी कि दो साल में आपकी दस लाख रुपए की पॉलिसी बीस लाख की हो जाएगी यानी कि दो साल में आपकी पॉलिसी एक तरह से तीस लाख की हो जाएगी क्योंकि उसमें सिक्योर बेनिफिट है एक के साथ एक फ्री और साथ में आपका प्लस बेनिफिट जो 50 परसेंट एनुअली इंक्रीज़ होगा अब बात करते हैं मैं स्टार एश्योर की तो वहाँ पर एनसीबी के नाम पर है 25 फाइव परसेंट ईयरली मैक्सिमम 100 परसेंट तक जाएगा चार सालों में और केयर सुप्रीम में 50 परसेंट ईयरली होगा और मैक्सिमम 100 तक जाएगा वहाँ पे एक एडोन राइडर है अगर आप उसको सुपर इसको बोलते हैं क्यूमिलिटी बोनस सुपर अगर आप उसको ऐड करते हो तो आपका समय एशोर फाइव तक हो सकता है बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की तो चारों ही पॉलिसीज में 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस मिलेगा और 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि अस्पताल से पहले भी बहुत सारे खर्चे होते हैं और अस्पताल से आने के बाद भी हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं उसके अलावा रूम रेंट की अगर हम बात करें तो नीवा बोपा और एच डी एफ सी अर्गों इन पर किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं रखी गई है साथ ही केयर सुप्रीम में भी कोई कैपिंग नहीं है लेकिन स्टार एश्योर में पाँच लाख की पॉलिसी में पाँच हज़ार रुपये का रूम मिलेगा दस लाख या उससे ज़्यादा की पॉलिसी में आपको सिंगल प्राइवेट रूम मिलने जा रहा है एम्बुलेंस की बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे रोड एम्बुलेंस की तो नीवा बुपा और एच डी एफ सी अर इन दोनों ही पॉलिसीज़ में रोड एम्बुलेंस पर कोई कैपिंग नहीं रखी गई है बहुत ही अच्छा कस्टमर फ्रेंडली एक पॉइंट इसमें ये ऐड किया गया है फीचर ऐड किया गया है क्योंकि मान लीजिए दिल्ली से किसी व्यक्ति को हमें बॉम्बे ले जाना है इलाज के लिए तो बहुत अच्छा एक्सपेंसिव आएगा तो वहाँ पे अगर लिमिट है तो बहुत सारा पैसा पॉकेट से जाएगा अगर कैपिंग नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा वहीं पर अगर हम बात करें स्टार एश्योर की तो वहाँ पर दो हज़ार रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन रोड एम्बुलेंस की कैपिंग होगी और बात करें केयर सुप्रीम की तो वहाँ पर पाँच लाख और दस लाख के लिए दस हज़ार रुपये की कैपिंग होगी पंद्रह लाख या उससे ऊपर के समय छोड़ के लिए नहीं कैपिंग रखी गई है एक और पॉइंट है जो नीवा नीवाबूपा में है मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन के रिक्वायरमेंट यानी कि दो घंटे उससे ज़्यादा के नीवा नीवाबूपा का रिएश्योर टू पॉइंट हो सारे ही हॉस्पिटलाइजेशन कवर करेगा जबकि बाकी तीनों पॉलिसीज़ में यानी कि एच डी एफ सी अर्गो का ऑप्टिमासिक्योर स्टार एश्योर और केयर सुप्रीम में मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन के रिक्वायरमेंट ट्वेंटी फोर आवर सी रखी गई है अब बात करते हैं हम कंज्यूमेबल्स आइटम की कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो अस्पताल में जाने के बाद हमें अपनी पॉकेट से पे करने होते हैं जैसे कि ग्लव्स पी पी ई किट नेबुलाइज़र किट फूड एक्सेट्रा ये भी अच्छा खासा अमाउंट इनका होता है जो पॉकेट से जाता है एच डी एफ सी अर्गो की सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑप्टीमा सिक्योर की कंज्यूमेबल राइडर को इन बिल्ड कवर किया गया है यानी कि जीरो कॉस्ट पॉलिसी है जीरो डिप्रिशिएशन पॉलिसी अस्पताल जाने के बाद आपकी पॉकेट से कुछ भी खर्च नहीं होने वाला है अब हम बात करते हैं नीवा बुपा के रियशो टू पॉइंटों की तो रियशो टू पॉइंटों में सेव गार्ड प्लस को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके कंज्यूमेबल आइटम्स कवर हो जाने वाले हैं स्टार एश्योर में भी कंज्यूमेबल आइटम्स इन्होंने 68 एट कंज्यूमेबल आइटम्स की लिस्ट को कवर किया है और केयर सुप्रीम की बात करें तो उसमें केयर शील्ड अगर आप ऐड करते हो तो कंज्यूमेबल आइटम इसमें ऐड हो जाने वाले हैं अब हम बात करते हैं को पेमेंट की तो को पेमेंट अगर मैं एच डी एफ सी अर्गो की बात करूँ तो जीरो को पेमेंट है किसी एज पर कोई कॉपेमेंट को नहीं है बात करता हूँ नीवा भूपा की तो कोई को पेमेंट नहीं है जीरो को पेमेंट है बात करता हूँ मैं केयर सुप्रीम की तो इसमें भी कोई कॉपेमेंट को नहीं है लेकिन स्टार एश्योर में 61 या उससे ज़्यादा के हर व्यक्ति को टेन परसेंट का को पेमेंट देना होगा रिस्टोरेशन अनलिमिटेड रिस्टोरेशन सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए चारों ही पॉलिसीज़ में कवर है ऑर्गन डोनर चारों ही पॉलिसीज़ में कवर हैं डे केयर ट्रीटमेंट चारों ही पॉलिसीज़ में सारे डे केयर ट्रीटमेंट कवर हैं डोमेस्लरी ट्रीटमेंट होम ट्रीटमेंट चारों ही पॉलिसीज़ में कवर हैं लेकिन स्टार एश्योर में इसमें टेन परसेंट ऑफ द बेसिक सम समेोर की कैपिंग रखी गई है आयुष ट्रीटमेंट को चारों ही पॉलिसीज़ में कवर किया गया है मॉडर्न ट्रीटमेंट भी चारों पॉलिसीज़ में कवर हैं लेकिन नीवा बोपा रियशो टू पॉइंटों में कुछ रोबोटिक सर्जरीज पर एक लाख रुपए की कैपिंग रखी गई है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी चारों ही पॉलिसीज में कवर है लेकिन सबसे अच्छा जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो एच डी अर्गो का है फाइव हंड्रेड पर लैक यानी कि अगर आपके पास दस लाख रुपए की पॉलिसी है तो आपको पाँच हज़ार रुपये हेल्थ चेकअप के मिलने वाले हैं जो आप रियम्बर्समेंट बेस पर ले सकते हैं आप अपनी पसंद की लैब पर टेस्ट कराइए और उसको रियम्बर्समेंट में आप एस से क्लेम कर लीजिए वहीं अगर मैं नीवा बूपा की बात करूँ तो वहां भी एनुअल हेल्थ चेकअप फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर लेक ही होगा लेकिन वहां चॉइस नहीं होगी आपको नीवा बूपा के जो पेनल्ड उनके लैब्स हैं उन्हीं पे आपको ये टेस्ट कराने होंगे कैशलेस बेस पे होंगे आपको अपने पॉकेट से पैसे नहीं करने होंगे देने होंगे और जो रिपोर्ट्स होंगी वो आपकी मेल पर आ जाएगी वहीं अगर मैं बात करूँ स्टार एश्योर की और आपके केयर सुप्रीम की तो वहाँ पर भी कैशलेस बेसिस पर ही आपको ये फैसिलिटी मिलनी है मिलने वाली है और लिस्टेड हेल्थ चेकअप्स की ही आपको सुविधा इसमें मिलने जा रही है सेकेंड मेडिकल ई ओपिनियन वंस इन ए पॉलिसी ईयर चारों ही पॉलिसीज में कवर हैं लेकिन अगर मैं बात करूं आ, स्टार एश्योर की और केयर सुप्रीम की तो वहाँ पर लिस्टेड स्पेसिफिक इलनेस के लिए ही आप सेकेंड मेडिकल ई ओपिनियन ले सकते हैं जबकि आप नीवाबूपा और एच डी एफ सी अर्गो में किसी भी बीमारी पर आप सेकेंड मेडिकल ई ओपिनियन ले सकते हैं ई कंसल्टेशन ई कंसल्टेशन नीवा बोपा में अनलिमिटेड है एच डी एफ़ सी अर्गों में भी अनलिमिटेड हैं स्पेसिफिक कंसल्टेशन के लिए लेकिन स्टार एश्योर फिर केयर सुप्रीम में ये फैसिलिटी नहीं होगी मेटर्निटी एक्सपेंसिज सिर्फ स्टार एश्योर में कवर होंगे दो साल के बाद कवर होंगे टेन परसेंट ऑफ द बेसिक सम मेंश्योर कवर होंगे नीवाबूपा एच डी एफ सी केयर सुप्रीम में ये कवर नहीं होंगे चारों ही पॉलिसीज में जोन बेस प्राइजिंग रखी गई है एच डी एफ सी अर्गों की बात करूँ तो दो जोन में बांटा गया है पॉलिसीज को जोन वन और जोन टू जोन वन में दिल्ली एन सी आर मुंबई बेंगलुरु और जितने भी मेट्रो सिटीज होंगे सेम अगर मैं नीवा पोपा की बात करूँ तो नीवाबोपा में जोन वन और जोन टू होंगे यानी कि जोन वन में दिल्ली एन और मेट्रो सिटीज़ होंगे बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया जो होगा वो जोन टू में होगा अगर हम बात करें केयर सुप्रीम के तो केयर सुप्रीम में भी जोन वन जोन टू होगा लेकिन स्टार एश्योर में जोन वन जोन टू और जोन थ्री रखा गया है जोन वन में दिल्ली एनसीआर मुंबई जोन टू में स्टेट कैपिटल्स और जोन थ्री में रेस्ट ऑफ इंडिया रखा गया है अब मैं एक आपको प्रीमियम का आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ सबसे पहले एच डी एफ सी ऑप्टीमा सिक्योर इस ऑप्टीमा सिक्योर इसमें मैंने फैमिली साइज लिया है टू एडल्ट टू किट का दिल्ली एनसीआर की ये फैमिली है 40 इयर्स की एज ली है और प्रीमियम होगा बत्तीस हज़ार सात सौ पैंसठ रुपये वहीं पर सेम फैमिली साइज़ का नीवा बोपा में रियशो टू पॉइंट में टाइटेनियम का प्रीमियम होगा बत्तीस हज़ार इक्यासी रुपये बात करते हैं केयर सुप्रीम की तो केयर सुप्रीम में दस लाख रुपये पे यही प्रीमियम होगा छब्बीस और बात करें स्टार एश्योर की तो यही प्रीमियम आ जाएगा चौबीस हज़ार नौ सौ बारह रुपये सो फ्रेंड्स ये था हमारे देश के यानी कि भारत के चार सबसे पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का कंपैरिजन। एक एक पॉइंट पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में, में बताइए मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की तो देखिए आपको चारों ही प्लान्स को अपनी नीड के हिसाब से देखना है अपनी नीड के हिसाब से उसको चूज करना है कि आपकी नीड के हिसाब से कौन सा प्लान आपको सूट करता है लेकिन अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो एच डी एफ सी ऑप्टीमा सिक्योर नंबर वन है क्योंकि इसका क्लेम सेटलमेंट रेशो नाइन्टी है हॉस्पिटल्स सबसे ज़्यादा हैं यानी कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स इनके सबसे ज़्यादा हैं और क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस सबसे इजी और कस्टमर फ्रेंडली है दूसरे नंबर पे आएगा नीवा बूपा नीवा बूपा भी क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस बहुत इजी है क्लेम सेटलमेंट रेशो अप टू द मार्क हैं और प्रीमियम कंपेटिवली अप टू द मार्क है दो कंपनियाँ यानी कि स्टार हेल्थ और केयर हेल्थ इंश्योरेंस दोनों ही प्रीमियम वाइज इकनॉमिक हैं तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपके नीड के हिसाब से इनमें से कौन सा प्लान आपको सूट करता है सो so फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन? अपने सुझाव अपने कमेंट्स मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में और मेल पर जरूर दीजिएगा साथ ही मिलता हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैटरडे तब तक के लिए जय हिंद